जिन अंतर घर जिन जिन अंतर गुरमुख प्रीत है जिन घर रखण घर राम राजे जिनकी निंदा कोई क्या करे जिन घर नाम प्यारा जिन हर से ती मन मानया सब दुष्ट चक मारा जनानक नाम पस्ते जो पाई है नानक सा करमात साहिब तुठ जो मिला महल एक नहीं चाकरी जित पौ खसम न जाए नानक सेवक कंडिए जैसे दि खसम समाए पौड़ी नानक अंतन जापनी हर ताके परावार अपरा शक्ति फिर आप कराए मारक नगली जंजीरिया एक तुरी चढ़ बिस्यार आप राय करिया आओ कैसों करी पुकार नन करन जंगिया फिर तिसी करनी सार करनी सार वाहे गुरु पौड़ी नानक तना जापनी हरता के परवार आप कराए साखती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़ाए बिस्यार आप कराए करे भाव कैसे हो करी पुकार नानक करना जिनकिया फिर तसी करनी सार फिर तसी करनी सार सच्चे साहेबा क्या नहीं करते रे सच्चे साहेबा क्या नहीं करते रे सच्चे साहेबा सच्चे साहेबा सच्चे साहेबा क्या नहीं करते रे सच्चे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे जिस देह सो पावे जिस देह सो पावे सच्चे साहेबा सच्चे साहेबा सच्चे साहेबा सच्चे साहेबा क्या नहीं करते रे सच्चे साहेबा क्या नहीं करते रे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बचावे सदा सिफत सलाह नाम जिनकै मन बसिया वाज शब्द कने रे नाम जिनकै बसिया वाज शब्द कने रे कहा नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे कहा नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते करते रे क्या नहीं करते रे सच्चे साहेबा क्या नहीं करते रे सच्चे साहेबा क्या नहीं करते सच्चे साहेबा सच्चे साहेबा सच्चे साहेबा क्या नहीं करते रे
जे साहेबा क्या नहीं करते हर जुग जुग भगत पाया बज रखता आया राम राजे हर ना कस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद कराया अहंकारिया निंद का पिट दे नामदेव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंतले छड़ाया हर जुग जुग भगत पांडे साजियां नापे पूरन दे एक नी दुध समाई है एक चुल्ला रहन चढ़े एक नी हाली पैसा वन कुपर रहन खड़े ते ना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा आपे साजे करे आप जाए पे रखे आप तिस्व जंत पाए कह देखे थाप थाप किसना कहिए नानका सब कुछ आपे आप बड़ी बड़ी बड़िया बड़िया आइया किच कहना कहना जाए सब कटा कर गरी देती यार सबाए साई का कमावड़ी और छोटी इन्हें पाए नानके बाहरी और दूजी वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह पौड़ी वड़े किया वड़े आया किच कहना कहना जाए सोकरता कादर करीम दे जिया रिजक संभाहे साईकार कमावनी तुर छोटी ते न पाए नानके की बाहरी होर दूजी ना ही जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए सुध राम कले महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मनवजिया बाधाया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो तगावो हरि के रामा मन जनी आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब बिसरना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सब नांगला समरत स्वामी सो क्यों मनो बिसारे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस दे है सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया कर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब बुझाया सदा कुर्बान किता गुरु विट हो जिस दिया है वडियाया नानक सुनो संतोषा
शब्द तरो प्यारो साचा मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सपागै कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कहा नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वट भागी हो ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी संत साजन पै सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिन वंत नानक गुर चरण लागे गुर चरण लागे गुर चरण लागे आज अनहद तूरे जे आनंद सुनो बड़ पागी हो वाहिगुरु सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत आत दिवस रात दोए दाई दाया केले सगल जगत चंगियां बुरियां आचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी केड़ के दूर जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक सी भी सच बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मन परतख गुरु निसतारे नाहो जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुग्धा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू ना ही विसरिया सो कहो टल गुरु सेविया अहनिस सहज सभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवा सिवत खसम दे नूर अरसहो कुरसहो चटिया तुध डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी बेहगड़ा महला पंजवा शंत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद
हर का एक अचंभव देखिया मेरे लाल जियो, जो करे सो धर्म न्याय राम, हर रंग अखाड़ा पायोन मेरे लाल जियो, आवण जान सबाए राम। हर का एक अचंभव देखिया मेरे लाल जियो, जो करे सो धर्म न्याय राम, हर रंग अखाड़ा पायोन मेरे लाल जियो, आवण जान सबाए राम। आवण ता जाना तिन्हे किया, जिन में दिन सिरजिया, इक ना मेल सतगुर महल बुलाए, एक परमा भूले फिर दया, अंत तेरा तू है जान है, तू सब मह रहया समाए, सच कह नानक सुनहो संतह, हर वरतै धर्म न्याय, अंत तेरा तू है जान है, तू सब मह रहया समाए, सच कह नानक सुनहो संतह, हर वरतै धर्म न्याय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी अति सत्कारयोग सात संगत जीओ, वड्डियां भागां वाले हो, रोजाना अमृत वेले अपने रुझेवियां विचों कुछ समां कढ सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठ के अमृत बाणी दी शब्द कीर्तन सरवण करके अपने इस मनुखा जन्म नूं सफला करन दा उपराला उद्यम करदे हो। अज भी सतगुरां बख्शिश कीती सुभाग समा, सतगुरां दी मेहरामत सदका सानूं सारिआं नूं सतसंगत विच जुड़न दा नसीब होया। अज इस पावन अस्थान ते अमृत वेले मेरे सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने प्रकाशमान हो के जो सानू हुक्म दी दात बख्शिश कीती है, वो पावन हुक्म धन गुरु अर्जन देव महाराज दीन दुनिया दे मालक सच्चे पातशाह शहीदां दे सरदार शांति दे पुंज उन्हां दी रसना तो उचारण कीता होया ये पावन शब्द राग बिहागड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 541 अते 42 अंग ते सभाए मान। आओ गुरमुखो, अज मेरे सतगुरां ने की बख्शिश रहमतां कीतियां ने, विचार की आरंभता तो पहले एक बार मन बिरतियां जरूर एकाग्र कर लईए। रसना की पवित्रता वास्ते, मन की एकाग्रता वास्ते एक बार करो कृपा दियो असीस ते आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, फिर बख्शिश करो ते आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। शब्द की आरंभता महाराज जी ने इतों की, बिहागड़ा महला पंजवां, बिहागड़ा राग है, पंजवें पातशाह शब्द उच्चारण करने वाले ने, शंत शंतां दे विच शब्द उच्चारण किया, एक वनगी है घर पहला, पहले घर दे विच इस पावन शब्द नूं गायन करन दा उपदेश मारे करदे पे। छोटा मूल मंत्र सतगुरां ने दर्ज किया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमात्मा एक है ते वो सर्वव्यापक है। कई बार मन में ख्याल आता भी जे एक
ते फिर की उहदी महानता कोई ज़्यादा है, क्योंकि संसार दे विच होर भी बहुत ऐसियां चीज़ां ने जिहड़ियां एक ने, ते जिहड़ा एक होवे कि उहनूं पूजना चाहीदा। नहीं गुरमुख, संसार दे विच केवल परमात्मा ही एक जे, बाकी होर कुछ एक नहीं जे। आपां कहांगे भी धरती भी तो एक ही है ना, सूरज भी तो एक ही है ना, चंद्रमा भी तो एक ही है ना। ये साड़ी नज़र है, सानू इत्थों एक नज़र आ रहा है, पर विज्ञान नूं पुछ के वेखो, साइंसदानां नूं पुछ के वेखो, वो कहिंदे नहीं दुनिया दे लोगो, इस ब्रह्मांड का एक सूरज नहीं जी, करोड़ा ही ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाए ने, ते करोड़ा ही सूरज बनाए, करोड़ा ही चंद्रमा बना दिते ने, ते धरतियां दी ते गिणती कोई नहीं जी। हजूर ने बाणी विच बचन कहने, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। दाते शब्द नहीं वरत्या, दाता, दाते दे अर्थ ने बहुवचन, करोड़ां दे अर्थ ने बहुवचन, पर दाता एक है, परमात्मा एक है। करोड़ां ब्रह्मंडा नूं बनाउण वाला केवल एक है, जिन्हों असी वाहिगुरु के नाम नाल याद करते। वह महाराज जी बचन कहते पे ने, एक ओंकार, परमात्मा एक है, सर्वव्यापक है, सतगुर प्रसाद, सतगुरु के प्रसाद के नाल, सतगुरु की कृपा के नाल, गुरु की बख्शिश के नाल, असी एक परमात्मा के चरणों में अपेद हो सकते हैं। पहलियां पंक्तियां ने शब्द लंबेरा, मैं एक पदे का पाठ आप संगतां नूं सरवण करवाया, क्योंकि समय दे विच आपां सारे शब्द अखरी अर्थ करने ने। हजूर ने पहली पंक्ति इत्थों आरंभ की, हर का एक अचंप हो देखिया। जिस एक दी आपां गल कीती है ना, उहनूं धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने हर, हर दे अर्थ ने हरी, का एक, उस हरी परमात्मा का एक अचंभो, अचंभो दे अर्थ कीते ने अचरज, तमाशा, हैरान करन वाला। एक मैं कौतक वेखिया उस परमात्मा का, देखिया, देखिया दे अर्थ ने वेखना, मेरे लाल जीओ, मेरे लाल जीओ दे अर्थ कीते ने विद्वाना ने, भी गुरु अर्जन देव महाराज जी जेडे संगत विच आए ने उन्हां नूं संबोधन करके कहिंदे पे, जिवें तुसीं संगत विच आए ना, ते गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने, हे मेरे गुरसिखो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सजनों, हे मेरे प्यारिओ, लाल जीओ, परमात्मा दा एक हैरान करन वाला मैं कौतक तुहाडे सामने बयान कर दसदा, जो करे सो धर्म न्याय राम। पुछया जी किहड़ा हैरान करन वाला परमात्मा दा कौतक, ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने, उहदे इह हैरान करन वाले अचरज कौतक ने, भी उह किसे दे नाल भी अन्याय नहीं करदा, परमात्मा न्याय करता है। सो करे जो करे सो धर्म न्याय राम, न्याय करदा है, परमात्मा अन्याय नहीं करदा। गुरमुखो बंदा ही है जिहड़ा संसार विच बंदियां दे नाल धक्का करदा है, अन्याय करदा है, होवदी की करदा है, परमात्मा नहीं जे करदा, गुरु नहीं जे करदा। तुसीं कहोगे भी किहड़ा काम है जिहड़ा परमात्मा साडे नाल न्याय करदा। छोटी जिही उदाहरण आपां वेखदे हां, इस गल नूं समझण वास्ते बड़ा गहरा विशा महाराज जी ने बख्शिश कीता है, भी बंदा अन्याय करदा है, राजे अन्याय करते ने, बादशाह अन्याय करते ने, अन्याय दे अर्थ ने धक्का करना, जिहड़े चौधरी ने वह अन्याय कर जाते हैं, होर जिन्हां कोल पावर है अपनी पावर दे करके वह अन्याय करते, धक्का करते, पर परमात्मा यह कम नहीं करता, वह न्याय करता। तो मैं एक वचन चेता करा दिया, क्योंकि आ जिहड़ा हफ्ता लंघिया ना, अज 22 तरीक है, तो 17 तरीक नूं जिहड़ी लंघी मंगलवार, उदन संगरांद दा दिहाड़ा सी, ते संगरांद सी कत्तक महीने दी, ते कत्तक महीने दे विच धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भी उपदेश इहदे नाल मिलदा जुलदा कह लईए बख्शिश कीता सी, वी बंदिया
वेख जे अज तू अन्याय कर रहे हैं, किसी ना धक्का कर रहा है, गरीब मार कर रहा है, किसी का हक रख रहा है, किसी का हक खो रहा है, ये एक दिन तेनों हिसाब किताब देना पेगा। मैं बेनती की बंदा अन्याय करता है रब ने, तो जे बंदा अन्याय करेगा ना तो रब ने न्याय करना, जे फिर उन्हें हिसाब किताब बराबर करना है। तो वेखो संसार दे विच बंदा बहुत चुस्त, दिमाग बड़ा है, शातर लतीफ बुद्धि वाला, संसार विच बंदा कई बारी पाप करता है, अन्याय करता है, धक्का करता है, पर जगजार नहीं जी होने दिंदा, पता नहीं लगन दिंदा किसी बंदे ने किसी का कतल कर दिता, पता नहीं लगन दिंदा, कई बारी बंदा किसी का धन चोरी करके लिया, पता नहीं लगन दिंदा, कई बार किसी की दिहाड़ी अगे पिछे करके मार लेंदा, बेचारे ने महीना कम किया हुंदा तो कहिंदा भी तेरे दो दिन घट लगे, इस तरह कर दे ना संसार दे विच, न्याय कर रहा ना अन्याय कर रहा ना। तो धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने, ओ भलिया इत्थे ते लोक छिप के तू लोकां नाल धक्का करी जाना, अन्याय करी जाना, पर जिस दिन रब दे घर दे विच जाएगा ना तो रब ने न्याय करना ही, जे संसार विच चंगे काम किए होणगे न्याय किया होगा लोगों ना तो तेरे नाल भी न्याय होएगा, तो जे तू अन्याय करी जाएगा तो तेरा ही हिसाब किताब फिर रब दे घर दे विच होणा। ਉਹ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਕੱਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੋਂ ਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ, दरगाह दे विच न्याय होना ही तेरे नाल, ते वेखी कि उत्थे तेरे नाल इस तरह का माड़ा काम ना हो जाए। जे संसार विच चंगा काम करेगा तो तेरे नाल भी चंगा ही है, जे माड़ा काम करेगा तो फल भुगतना पैगा। आसा की वार दे तुसी कीर्तन रोज सरवण कर दे। वेखो महाराज जी ने अमृत वेले सुचेत किया, सन एक नहीं कई पौड़ियां दे विच महाराज जी ने इसे कर्मां का जिक्र किया है, भी जिहो जे कर्म कर रहे हैं, ददा दोष न देहूं किसे, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवरजना। बंदा कई बारी माड़े काम करता है पर उन्हें इग्नोर कर देता, मनन वास्ते तैयार नहीं होता, कहते मैं किया ही नहीं। बंदा बंदे तो छुपा सकता है पाप, रब तो नहीं। हुण तो चलो संसार दे विच तरक्की बड़ी कर ली, सीसी टीवी कैमरे लगे ने, बंदा अपराध करता दे विच आ जाता है, पर वेखो ना जे बंदे ने सीसीटीवी कैमरे लाए ने भी बंदा चोरी करता पकड़िया जाए तो चोर चोरी करने वाला वो बड़ा छात्र तेज, वो सब तो पहला आण के काम ही करता सीसीटीवी बंद करता, उतों भी छुप के आ। संसार दे विच सब कुछ बंदा कर रहा है पर परमात्मा दे घर दे एहो जे सीसीटीवी साढ़े लगे ने, गुरमुखो सानू वाच कर रहे ने, ना को उन्होंने बंद कर सकता है, ना को उन्हों की तार कट सकता है, ना को उन्होंने ऑफ कर सकता है, 24 घंटे ऑन। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी दे बोल ने, देह किवाड़ अनक पड़दे मह, पर दारा संग फाके चितर गुप्त, जब लेखा मांगे तब कौन पड़दा तेरा टाके। परमात्मा ने न्याय करना गुरमुख, तो चंगे काम करके जाइए, माड़े ना करिए, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਗਰ ਪੜਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੱਲਦੀ, ਜੱਜ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਛੁਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ
छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाव दे राह भीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया ये कई बार समझ नहीं आते बड़ा लंबेरे समय बाद इस पंक्ति के अर्थ समझ आए नंगा दोजक चालिया नंगे दे अर्थ की ने वो तन ते कपड़े नहीं सी नहीं नंगा दोजक चालिया के अर्थ विद्वाना ने किते ने बंदिया जदों संसार दे विच तू पाप करके छपा ले सी लोगों ना धक्का करके छपा लिया सी किसी नूं पता नहीं सी लगन दिता पर जदों रब दे घर दे विच जाना है तो उत्थे तू नंगा नंगे तो पाप तेरा एक एक पाप जिहड़ा परमात्मा दे सामने आ जा साडे सामने तस्वीर आ जाणी परमात्मा ने रख देनी पे इस समय आ माड़ा उत्थे नंगा जांदा है पाप उत्थे उन्हां नूं छपा नहीं सकदा नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना कर औगण पछो तावना किवें बंदा संसार विच चलाकियां कर जिहड़े इस तरह के काम करेगा फिर परमात्मा की दरगाह विच बख्शिया नहीं जाए संसार दे विच महाराज जी ने कुछ ऐसिया धारणा दित्तियां लोग की करते सन काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाए हुण वेखो बा कमाल बचन हुण भाणा पता की वापरिया वेखो ये अज ही नहीं जे संसार दे विच ऐसे माड़े कर्म हो रहे जिहड़ा बंदा कर रहा अन्याय कर रहा लोगों नाल ये गुरु नानक देव महाराज जी के समय उस तो पहला भी चलते आए ये अर्थ मैं कर दिया भी काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाए यदा बड़ी सोहनी परवाना साहब ने छोटी जी साखी ये ला के सानू समझाया कहन लगे एक पिंड दे विच कोई गरीब किसान रह रहा सी ते वेली काफ़ी वो चलो वड्डी सी खुली सी ते कोई लोड़वंद सज्जन आया उन्हें आण के पिंड के काजी नूं आके दस्या भी मैं बहुत गरीब है भी मैनू थोड़ी जी पिंड दे विच किते जगह दे दिओ मैं अपने चार दिन कट लवां हौली हौली अपना दिहाड़ी दप्पा करांगा काम काज करांगा तो फिर मैं अपनी जगह लै लवांगा छड़ देवांगा तो वह सज्जन दे कोलों सज्जन दे सरपंच काजी कोलों सज्जन बैठा सी ते उहनूं कहण लगे भी भलिया तेरे कोल काफ़ी वड्डी वेली है ते थोड़ी जी जगह दे दे इहनूं साल कु रहेगा परत के असी खाली करा देंगे छड के चला जाएगा यदि भी जगह बन जाएगी वो बेचारा भला पुरश कह लगे चलो लोड़वंद आया कोई गल नहीं उन्हें थोड़ी जी जगह दे दिती छे महीने लंघे साल लंघिया वो बेचारा मालक कह लगा भाई भी हुण तू जगह छड दे क्योंकि तू अपना गुजारा कर लग पै तू अपनी जगह लै वो कह लगा नहीं मैं नहीं छड़नी मैं इहदा मालक बन गया मैनूं साल हो गया रहिंदे उन्हें दो चार वारी उन्हूं आख्या पर ना मन्निया उस वेले जिमें अज आप वेखते हैं भी पिंडा दे विच सरपंच होंदे ने उस वेले न्यां करन वाले काजी होंदे सन धार्मिक आगू वह बेचारा काजी कोल गया कहन लगा भी जा के सजना मेरे नाल बड़ा धक्का होया पुछया जी कि कहन लगे इस बंदे नूं फलाने समय तुसीं कहा सी थोड़ी जी जगह दे दिओ ते बेचारा गुजारा कर लेगा फिर किते अपने काम काज ते लगेगा ते जगह बना लेगा कहन लगे तुहाडा कहना मन के मैनूं जगह देती हुण छड़दा नहीं उठदा ही नहीं तो वह जिहड़ा सज्जन सी ना वह एक पग लै गया अपने कोलों भी चलो काजी नूं मैं कहना भी आ मैं पग तैनूं देण लगा तो ध्यान रखी मेरे हक विच फैसला कर दें तो कहन लगे जिस वेले काजी ने उहदी वार्ता सुनी ना तो कहिंदा सज्जना भी हफ्ते बाद आपां चार बंदिआं नूं बुलावांगे इस जगह पर बुलावांगे तू भी आ जी उस बंदे नूं बुलावांगे तेरा हक तैनूं दवा देंगे तो उन्हें नाल ही पग दे दी काजी नूं भी मेरे हक विच फैसला कर दी तो कहन लगे जदों फैसला करांगा ना तो थोड़ा जिहा इशारा कर दी भी मैं पग लैके आया सां मेरे हक विच फैसला कर दे मैं गरीब बंदा कहन लगे जदों समा मिथिया गया तो दूसरे बंदे ने भी पता लग गया वह भी काजी नूं मिलन गया तो उन्हें भी थोड़ी बहुती रिश्वत दे दी तू अपना बलद ही दे आया तो जिस दिन फैसला होना सी ना काजी ने चार बंदे इकट्ठे किए गल्लां सुनियां ते फैसला उस बंदे दे हक विच कर दिता जिन्हें धक्के दे नाल जगह मल ली सी छड़दा नहीं सी वह बेचारा बथेरा पग नूं हथ लावे याद करावे मैं पग लैके आया सां मेरे हक विच फैसला कर ते पर फैसला दूसरे बंदे दे हक विच कर दिता जदों सारे चले गए ना तो वह बड़ा हैरान होया काजी नूं कहन लगा भाई मैं तैनूं पग दे के कहा सां भी मेरे हक विच फैसला करी मेरे नाल धक्का आया ते उहने अगों जवाब पता की दिता काजी नूं कहन लगा तेरी पग नूं बैल खा गया बलद खा गया पुछया था कि भाव
कह लगे तू छोटी जी वड्डी दे के गया सा वो तेरे नो वड्डी वड्डी दे गया ते जेड़ा ज्यादा वड्डी देगा मैं वो हक विच फैसला कर दिता। ये वेखो गुरमुख बाणी दे बो काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाए एक बलद की खातर लालच में आण के उस गरीब ने धक्का कर दिता। जे संसार दे विच ऐसे कर्म असी कर रहे हैं को कर रहा है तो इत्थे ते सजना ये काम करके तू अपना घर भर लिया ही पर रब ने न्याय करना ही फिर उत्थे जाके पता लगना ही उत्थे की भाव विकदी है उत्थे नहीं हो तेरी सुनी जानी उत्थे बोल पता किने बाणी उत्थे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कटे जज मालिया उत्थे आ पाणा वापने चंगी आईया बुरी आईया वाचे तरम हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अज महाराज जी ने जो बचन कहने ना इस करके मैं थोड़ा जो प्रमाण लैने भी असी संसार दे विच बैठे हाँ रब मेहर करे असी गुरु के चरणों में जुड़ के अरदास करिए दात्या सानू एहो जी बुद्धि दे दे असी किसे दा हक ना रखिए असी किसे ना ग्रे मार ना करिए असी किसे ना धक्का ना करिए क्योंकि जी ये काम करांगे एक दिन रब दे घर दे विच असी भी जाना उत्थे लेखा देना पैना है। ओ महाराज जी ने बचन कहने सानू अलर्ट किया सावधान किया हर का एक अचंभो देखिया। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते ने हे प्यारे सजना मेरे गुरसिखा मित्रा भरावा मैं परमात्मा का हैरान करने वाला कौतक देखिया मेरे लाल जी हो जो करे सो धर्म न्यायरा। परमात्मा ने वड्डी लैके किसी के हक में फैसला नहीं करना उन्हें वेखना भी संसार विच इन्ने काम किन्ने चंगे किए ने इन्ने काम किहड़े माड़े किए ने पर साडे कम्मां नू वेख के उन्हें सानू सजा दे कम्मां नू वेख के उन्हें साडे ते फैसले करने ने ते जे इहो जिहा भाणा वापरना है तो फिर असी संसार विच माड़े कर्म क्यों नहीं छड़दे क्यों नहीं असी चंगे काम करदे ते तुसी कहोगे भी चंगा काम किहड़ा है ते मैं उस दिन भी बेनती की सी आ जिहड़ा तुसी गुरु की संगत करदे हो ना बाणी पढ़ते हो नितनेम करदे हो गुरु घर वच आण के सेवा कर दियो संगत कर दियो बस ये दिन उच्चा कर्म होर कोई नहीं जी इसे कर्म करके साडा बंद खलासी होनी जी। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे बोल ने ना जिहड़े आपे कढ़दे हर कीरत साध संगत है सिर करमन के कर्म गुरु की संगत करनी परमात्मा की कीर्ति करनी लुकाई का भला करना किसी की मदद करनी गुरु की संगत जाण के बाणी पढ़नी सुनी सब तो उच्चा कर्म हर कीरत साध संगत है सिर करमन के कर्म सिरे का कर्म जी ये उच्चा होर कोई कर्म नहीं। कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना हर रंग अखाड़ा पायो न मेरे लाल जियो आवन जान सबाए राम। परमात्मा ने आ धरती जड़ी ना अखाड़ा बना दिता अखाड़ा तुसी समझदे हो जिथे घोल होंदे ने जिथे खेडां होंदियां ने महाराज ने अखाड़ा बनाया धरती ते साडी सारी कायनात ते खेड खेडण वास्ते आई कोई चंगी खेड खेडदा कोई माड़ी खेड खेडदा कोई चंगे कर्म करदा कोई माड़े कर्म करदा ते फिर जे चंगे कर्म करदे ने गुरमुख ओह बख्शे जांदे ने रब दे घर दे विच परवान गिणे जांदे ने जिवें बाणी पढ़दे ने गुरमुख लाह लै गए मनमुख चले मूल गवाए जियो। हर रंग अखाड़ा पायोन मेरे लाल जियो आवण जाण सबाए राम। सारी कायनात आउण जाण दे चक्कर विच पै जांदी जिहड़े चंगे कर्म करदे ने ओह रब दे घर दे विच सदा वास्ते टिक जांदे ने निज घर महल पावो सुख सहजी बोर न होएगो फिर ये गुरमुखां ते ढुकदी बंदगी करन वालियां ते पंगतियां ढुकदियां ने पर ऐसे सज्जन ने जिहड़े संसार दे विच माड़े कर्म करदे ने फिर आउण जाण दे गेड़ विच पै जांदे ने आवण तां जाणा तिन्हे की है जिन मेदन सिरजिया। मेदन कहिंदे ने मेदनी मेदनी कहिंदे ने इस धरती नूं जिहड़े 84 लाख जुन्ना पैदा कीतियां ने ये सारा कुछ परमात्मा ने बनाया आउण जाण दा सिलसिला परमात्मा ने बनाया इक ना मेल सतगुर महल बुलाए इक ना नूं सतगुरु दे नाल मिला के परमात्मा अपने महल विच बुला लैंदा अपने घर दे विच बुला लैंदा अपने चरणां विच जोड़ लैंदा इक भरम भूले फिरदे आ एको मनमुख बंदे ने ना गुरु वाले बने ना बाणी पढ़ी ना चंगे कर्म किते माड़े कर्म करते रहे कह लगे संसार दे विच फिरदे ही रहे जूना विच भटकते रहे अंत तेरा तू है जाने तू सब में रहा समाए परमात्मा तेरे घर दे गुणा नू तेरे घर दे मर्यादा नू केवल तू ही जानदा है
मनुख बेचारे की इन्नी समझ नहीं तेरे घर की मर्यादा नू तेरे घर के अंत नू गुणा नू को जान सके। सच कहा है नानक सुनहो संतो हर वरता है धर्म न्याय। अखीर विच महाराज ने फिर सचेत किया बंदिया परमात्मा ने न्याय करना ही उत्थे तू वड्डी दे के बख्शिया नहीं जाएगा। जे चंगे कर्म किए ने तां बख्शिया जाएगा। चंगे कम कर गुरु वाला बन सिमरन कर नाम जप संगत कर ताकि परमात्मा दे घर दे विच तू परवान के नहीं जा सके। समय की समाप्ति इन्हीं बेनतियां प्रवान करनिया गुर शब्द की विचार करदे एक नहीं दो नहीं बेअंत उणताइया गलतियां रह जांदियां ने। गुरु अते संगत बख्शन आ रहे बख्श लेना जीओ। अगला प्रोग्राम मान योग सकत्तर साहब आप संगतां नूं सरवण करवाउणगे जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच नानक होसी भी सच आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज तुम बढ़ते दे रहे तुम बढ़दाते दे रहे तुम बढ़दाते दे रहे तुम बढ़दाते दे रहे तुम बढ़दाते Yeah।
सगले भोजन खान दीन सगले भोजन खान मोहनीर गुण एक गुण ना जान मोहनीर गुण एक गुण ना जान तुम बड़ दाते जानो तेरी सार हो कछु न जानो तेरी सार तो करगत मेरी प्रभ दयार तो करगत मेरी प्रभ जाप ना ताप ना करम कीत जाप ना ताप आवे नाही कछु रीत आवे नाही कछु रीत मन में राखो आस एक मन में राखो आस एक नाम तेरे की तरो सर्व कला प्रभ तुम पर बीन सर्व कला प्रभ तुम पर बीन अंत न पावे जल मीन अंत न पावे जल अगम अगम ऊंचते ऊंच अगम अगम हम थोड़े तुम बहुत मोच हम थोड़े तुम बहुत मोच तुम बड़ दाते दे रहे वाहेगुरु तुम बड़ दाते दे रहे तुम बड़ दाते दे रहे जी प्राण में रब रहे जिन तू त्याया से गनी जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से धनी जिन तू पाया से धनी जिन तू सेविया सुखी से जिन तू सेविया सुखी से संत शरण नानक परे संत शरण नानक परे तुम बड़ दाते दे रहे वाहेगुरु तुम बड़ दाते दे रहे तुम बड़ दाते दे रहे जी प्राण में रव रहे जी प्राण में तुम बड़ दाते दे रहे तुम बड़ दाते दे रहे
जिंतो सेविया सुखी से जिंतो सेविया जिन बढ़ दाते दे